विश्व पर्यावरण संस्थान भोजपुर आरा के द्वारा राधा कृष्ण एकेडमी स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर दंत चिकित्सक डॉक्टर विवेक राज की अहम भूमिका रही। डॉक्टर दिलीप वर्मा द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने एवं संरक्षण करने की अपील की गई। संयोजक राजेंद्र जी द्वारा बच्चों के बीच पर्यावरण को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाने की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य तनुजा वर्मा के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर अभिलाष कुमार सिन्हा, राज नारायण प्रसाद, आरती सहाय, मानस तिवारी, ख्याति कुमारी, बबीता, रिंकू, किशोर तथा अन्य लोग शामिल हुए। पानी धरती से निकलता है और वो लिमिट मात्रा में है, उसको हम बर्बाद करेंगे तो संकट हो जाएगी पानी की। बहुत सा जगहों पर हो चुका है, हर साल पानी के लेयर भी भाग जाता है, कैंपर पर पानी नहीं देता। इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि हमारी आबादी बढ़ रही है और पानी का संसाधन सीमित है, इसलिए पानी को नहीं यूज करें इतना जरूरत है। बहुत सा बच्चे नल को खोल के छोड़ देते हैं या नल के रोटी को छोड़ देते हैं, ऐसा ना करिए। ये आपके लिए जरूरी है कि उसको बचाए। पानी सेव वाटर अपने जीवन में अपनाइए कि पानी को भी बचाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक भी हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है हम लोग ये विश्व पर्यावरण बचाओ संस्थान के नाम से एक संस्था बनाए हैं, उसी के तहत लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हम लोग शहर और शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आए दिन जाकर स्कूलों में बच्चों को और टीचर्स को वृक्षों के से होने वाले लाभ और पर्यावरण हमें क्या करती है इसके बारे में उन लोगों को जानकारी देते हैं। क्योंकि हम सभी अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आज हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, तो आने वाला समय वैज्ञानिकों का ही कथन है कि ग्लोबल चेंजिंग हो रही है और इसमें प्राकृतिक अपनी संतुलन बनाएगी। प्रकृति को सहयोग करने के लिए वन का होना बहुत जरूरी है, या हमारे जीवन के लिए भी वन का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा, पेशे से तो डॉक्टर हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। तो लोगों को बीच में जागरूकता फैला रहे हैं पर्यावरण के लिए। हम लोग विगत 5-6 वर्षों से पूरे भोजपुर जिला में जन जागृति अभियान से लेकर पेड़ लगाना और उसकी सेवा करना के कार्य कर रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण बचाओ संस्थान के माध्यम से 30,000 से ज्यादा पेड़ हम लोग लगा चुके हैं और आमजन, बच्चे और अन्य स्थानों पर जाकर हम लोग जन जागृति के अभियान चलाते हैं, पर्चा, हैंडबिल, कैलेंडर वगैरह वगैरह बांटते हैं। आज क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है उससे बचने का एक ही उपाय है, हर व्यक्ति एक पेड़ अपने जीवन में लगाए और इस धरती को बचाने के अभियान में शामिल हो। जय पर्यावरण। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर विवेक राज, मॉडर्न डेंटल केयर महावीर टोला का डॉक्टर हूँ, डेंटल सर्जन, और साथ ही मेरे पिताजी का बिजनेस है राधा कृष्णा एकेडमी स्कूल, जो सामाजिक कल्याण हेतु हमेशा अग्रसर है, बच्चों को हमेशा आगे मार्ग निर्देशन हम लोग दे रहे हैं। तो आज पर्यावरण संस्थान के द्वारा डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा और राजेंद्र सर के
रख रखाव के कारण कैसे बच्चों को पेड़ के बारे में बताना कि पेड़, एक पेड़ हमारे जीवन में क्या क्या दे सकता है, पेड़ कितनी लाभकारी चीज है और पर्यावरण को कैसे संतुलित बनाता है। तो आज हम हमारे विद्यालय में वृक्षरोपण किया गया है संस्था के द्वारा और बच्चों को के बीच जानकारियाँ दी गई है और इसी के तहत अभी बहुत सारा कार्यक्रम हम और कराने जा रहे हैं। 6 मार्च को हमारे यहाँ डॉक्टर विनोद कुमार शिशु रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर विवेक मैं खुद और हमारे स्कूल में एक मेडिकल कैंप भी लग रहा है और ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम हम अपने स्कूल को जोड़ते जाएंगे ताकि बच्चों और समाज का कल्याण हो सके। धन्यवाद। हम तो इस विभाग से बहुत अनभिज्ञ हैं मगर फिर भी जो व्यक्ति सज्जन लोग आए हैं इन लोगों ने जो सब बच्चों के लिए जो प्रेरणा दी है उसको मैं अनुमोदन करता हूँ और डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो भी सभी उसका भी मैं अनुमोदन करता हूँ और चूंकि मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ इसलिए इस विषय पर हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसी को हम दोहरा रहे हैं और मेरा इच्छा है कि इसी पथ पर चल करके आगे का भविष्य जो है सभी बच्चों के लिए सार्थक होगा, यही भेजा करें। पर्यावरण आज के समाज में एक चुनौती बन गई है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जगह जगह हजारों बीमारियां फैल रही हैं। आज बच्चों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया गया ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी पर्यावरण को लेकर के जागरूक है और इस जागरूकता अभियान से हमारे आने वाली पीढ़ी पेड़ पौधों के महत्व को समझे और हमारी धरती को हरियाली प्रदान करे। मेरा नाम तनुजा वर्मा है, मैं राधा कृष्ण एकेडमी की संचालिका हूँ।